नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में कि कॉन्ट्रैक्टर डी क्लास, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास और डबल ए क्लास क्या होता है। पीडब्ल्यूडी हो, पीएचईडी हो, डब्ल्यूआरडी हो, इरिगेशन हो या इसके अलावा और भी कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, तो उनमें कॉन्ट्रैक्टर्स को इन पाँच श्रेणियों में, पाँच कैटेगरी में बांटा हुआ होता है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितने अमाउंट का वर्क ले सकता है, उसमें टेंडर डाल सकता है। सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी है वो है डी क्लास। डी क्लास का कोई भी यदि कॉन्ट्रैक्टर है और कोई वर्क उसको 15 लाख रुपये तक का मिलता है तो उसमें वो आवेदन कर सकता है, उसके लिए वो टेंडर डाल सकता है। यदि इसके ऊपर अभी हम चलें तो वो आता है सी क्लास। सी क्लास के लिए यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर को सी क्लास के लिए काम लेना है तो उसकी जो अपर लिमिट है वो है 50 लाख। 50 लाख रुपए तक का कोई भी टेंडर होगा उसमें सी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि बी क्लास की बात करें तो ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए तक का कोई भी वर्क है उसको बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर उसमें टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है। यदि ए क्लास की बात करें तो ए क्लास की जो वर्क लिमिट है, जो अमाउंट है वो है 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए से नीचे का कोई भी होगा उसमें ए क्लास का कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है। डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने का ही अमाउंट हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, उसके लिए डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल है, वो उसमें अप्लाई कर सकता है। यदि बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की तो आपको सबसे पहले डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो भी एक एक्सियन ऑफिस में जो कि खंड अधिकारी होता है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजनल ऑफिस, एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी उसे बोलते हैं। तो उनके ऑफिस में आपको 3,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस होगी, उसके अलावा 50,000 रुपये का आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाना होगा। उसके अलावा यदि हम बात करें सी क्लास के, सी क्लास के लिए आपको अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, 6,000 रुपये की आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और अमाउंट बढ़कर 1 लाख रुपये आपकी सिक्योरिटी जमा होगी। तो इसी तरह से आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा यदि आप बड़े क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो ये था दोस्तों एक इंट्रोडक्शन कि कॉन्ट्रैक्टर को कैसे, कौन सी लिमिट के हिसाब से काम आवंटित होते हैं आपको बताना, और आने वाले वीडियोज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में क्या अर्नेस्ट मनी होती है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह होता है, ये सारी बातें भी हम करेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और बढ़ाते रहिए अपना ज्ञान इसी तरह।